गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज़ ममता भटनागर। आई एम योर हिंदी टीचर। वेलकम टू माई क्लास। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको वर्णमाला किसे कहते हैं व उसके कितने भेद होते हैं के बारे में बताऊंगी। वैसे तो आपने केजी क्लास में यह सब सीखा है, पर आज हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे। तो आप अपनी बुक उत्कर्ष का पेज नंबर 6 खोलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अंग अहा। ये क्या है? ये स्वर हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। किन्हें कहते हैं व्यंजन? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन है हमारे क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स सा फ और क्षत्र ज्ञान श्र। यह हमारे क्या हैं? यह हमारे व्यंजन और क्षत्र ज्ञ श्र, यह हमारे हैं संयुक्त अक्षर। क्या है हमारे? संयुक्त अक्षर। आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे कि संयुक्त अक्षर और कैसे बोले जाते हैं और किस तरह बनते हैं। तो बच्चों, आज आपने सभी स्वरों और व्यंजनों को दोहराया। अब आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में स्वर और व्यंजन दोनों को लिखेंगे व इनका अभ्यास करेंगे। गृह कार्य में आप पेज नंबर 6 पर ही बिंदुओं को जोड़कर चित्र को पूरा करना है और उसमें रंग भरना है। बिंदुओं को जोड़कर चित्र को यहाँ लिखा है पूरा करो और उसमें रंग भरो। यह कार्य आपको स्वयं करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।